गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू, दैट व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कनेक्टिव मींस व्हिच इज रिलेटेड विद सम ऑफ द कनेक्शन इन आवर बॉडी व्हिच कनेक्ट्स समथिंग, जो किसी चीज को जोड़ने का काम करता है, यूनाइट करने का काम करता है, that is called as the connective, or the tissue which perform this function is called as the connective tissue. That means the connective tissue is that tissue which connects the different parts of the body together, उसका नाम है connective tissue. हमारी body के अंदर बहुत सारे connective tissues present हैं। हम दो सबसे अच्छे example आपको देते हैं, that number one is the blood, second is the bone. The blood is the fluid connective tissue present in our entire body. हमारी body के अंदर सभी जगह पर blood पाया जाता है, which is the special fluid connective tissue. The second example, the bone is the hardest connective tissue. Bone भी हमारी body के अंदर लगभग सभी जगह पर पाई जाती है. Therefore, that is the hardest connective tissue जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़े रखने का काम करती हैं। अब ये दो एग्जाम्पल देने के बाद आपके सामने हम कुछ और भी ऐसी ही टाइप्स बताएंगे कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। नंबर वन, एरियोलर टिश्यू। पहली तरह के टिश्यू का नाम है एरियोलर टिश्यू। What is this areolar tissue? The loosely arranged, and these tissues are present just below the skin. हमारी skin के ठीक नीचे पाए जाते हैं, उनका नाम है areolar tissue. और इनका basic function क्या है areolar tissue का? That they connects the muscles, nerves, blood vessels and the other organs. क्योंकि आपको मालूम है कि स्किन के ठीक नीचे हमारी डिफरेंट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, हमारी नर्व्स प्रेजेंट हैं, और हमारी से दी डिफरेंट मसल्स आर देयर, और उनके ठीक स्किन के नीचे हमारे और ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम अंदर की बॉडी के इंटरनली अगर हम देखें तो उसमें भी हमारे बहुत ऑर्गन्स ऐसे प्रेजेंट हैं जिनको जोड़ने का काम हमारा एरियोलर टिश्यू करता है। सेकेंड, रेटिकुलर टिश्यू। नाउ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू लार्ज नंबर ऑफ द लिम्फोसाइट्स और द लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन द लिम्फोसाइट फाइबर्स। लिम्फोसाइट फाइबर्स में बहुत सारे लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, दे मेक द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे तरह का कनेक्टिव टिश्यू म्यूकॉइड, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ये बहुत ही खास किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है और बहुत ही खास जगह पर पाया जाता है। इसके दो एग्जांपल आपके सामने दिए जाएंगे। नंबर वन, दिस इज प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द बेबी। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, बेबी का बर्थ होता है, द अम्बिलिकल कॉर्ड मीन द बर्थ कैनाल, गर्भनाल कहते हैं जिसे आप। सो दिस इज प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय शिशु की गर्भनाल में ये म्यूकॉइड टिश्यू पाया जाता है। एंड इन द एडल्ट्स, एडल्ट में कहाँ पाया जाता है? इन द विट्रस ह्यूमर। व्हाट इज द विट्रस ह्यूमर? विट्रस ह्यूमर का मतलब है एक गाढ़ा, दैट इज द स्टिकी फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर आई बिहाइंड द लेंस। हमारी आंख के लेंस के पीछे के भाग में, विट्रस चैम्बर में एक फ्लूइड पाया जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, विच इज कॉल्ड एज द विट्रस ह्यूमर, तो जहां पर यह म्यूकॉइड टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का मतलब है द that is called as the fatty tissue. Adipose tissue को हम fatty tissue भी कहते हैं, और fatty tissue लगभग
हमारी बॉडी के हर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, मोस्टली इट इज प्रेजेंट, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि द फैटी टिश्यू और दिस एडिपोज टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन आवर अपर पार्ट ऑफ द स्कल, दैट इज द क्रेनियम। क्रेनियम आप देखेंगे, पहले हमारे बाल हैं, बाल के नीचे हमारी स्किन है और देर इज डायरेक्ट बोन, दैट मीन्स नो फैट इज प्रेजेंट, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस दैट इज द एडिपोज टिश्यू, जो कि फैटी टिश्यू है हमारे हेड के सिर स्कल के ऊपरी भाग में, नो फैट। लाइकवाइज आई लिड्स, आंख की आई लिड के में भी ये फैटी कनेक्टिव टिश्यू नहीं पाया जाता। फिफ्थ वन इज द इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक मीन्स लचीला, विच इज प्रेजेंट इन द आर्टरीज, हमारी ब्लड वेसल की आर्टरीज के अंदर पाया जाता है। एयर ट्यूब्स, हमारी सांस की नली, एयर ट्यूब्स के अंदर भी ये प्रेजेंट है, द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आर्टरीज यू नो द ब्लड वेसल, पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी लचीली पाई जाती है, दैट मीन्स द आर्टरीज आर इलास्टिक इन नेचर। और छठी तरह का टिश्यू, दैट इज द फाइब्रस। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि एक ऐसी लेयर लाइनिंग बनाता है, द टफ एंड द स्ट्रॉन्ग लाइनिंग ऑफ द स्कल, स्कल की मजबूत लेयर को, लाइनिंग को बनाने वाला, प्लस द वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की बाहर की मजबूत लेयर को बनाने वाला टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज द फाइब्रस टिश्यू। और इसके साथ ही एक एग्जाम्पल और है, दैट इज द पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट की बाहर की लेयर भी बहुत मजबूत पाई जाती है, उसको बनाने वाला भी हमारा फाइबरस है। तो ये हमारे छह तरह के आपके सामने टिश्यूज को हमने बताया है, एरियोलर, रेटिकुलर, म्यूकॉइड, एडिपोज, इलास्टिक एंड फाइबरस। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।